हे गाइस, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक न्यू जबरदस्त जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है IBPS की तरफ से। तो फ्रेंड्स, IBPS की तरफ से आपको RRB 12 की वैकेंसी आ गई है, जिसमें आपको ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल की वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है और मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ये एक बहुत अच्छा पोस्ट होने वाला है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी की जो है पूरी डिटेल्स आपको अच्छे से समझाऊंगी, पोस्ट वाइज डिटेल्स आपको बताऊंगी, साथ ही साथ इस पोस्ट के डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, यानी कि एज लिमिट क्या रहेगा, आपको सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, आपको जॉब का प्रोफाइल क्या होगा, इस जॉब के लिए आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें जो है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस जॉब को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को हम लोग फटाफट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया है कि वैकेंसी निकली है IBPS की तरफ से, RRB यानी कि जो आपका रूरल रीजनल बैंक्स होते हैं उसके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपको ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के आपको वेरियस पोस्ट की आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। बट इसमें फ्रेंड्स, जो आपका सबसे बेस्ट पोस्ट रहने वाला है वो आपका ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट रहेगा, जो कि एक आपको ग्रुप बी का पोस्ट होता है। इस पोस्ट के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी शॉर्ट रहेगा, आपको जो एग्ज़ाम होता है प्री और मेंस उसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होता है इसमें। तो फ्रेंड्स, इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ही। आपको जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है टोटल मिला के आपको 8611 पोस्ट की वैकेंसी आई है, जिसमें से अकेले सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5538 पोस्ट की रहेगी। और इस पोस्ट के अलावा आपको ऑफिसर स्केल 1 की जो पोस्ट है उसके लिए भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आ रही है। उस पोस्ट की आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2485 रहने वाली है। बाकी जो फ्रेंड्स अदर पोस्ट हो गए, आपको ऑफिसर स्केल 2, 3 की पोस्ट जो हो गए, उसमें आपको वैकेंसी भी इनसे कम देखने को मिलेगी और सिलेक्शन की प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है। जो उसमें है आपको हायर क्वालिफिकेशन भी काफ़ी हायर मांगा गया है, क्वालिफिकेशन डिटेल एक्सपीरियंस मांगा गया है, एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो इसलिए उन सारे पोस्ट के ऊपर हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं। तो आपका फॉर्म जो है वो 1 जून 2023 से अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और इसके लिए आपको लास्ट डेट जो है वो 21 जून 2023 रहने वाला है। बट आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। फॉर्म की फ़ी की बात करें तो आपको जनरल OBC और EWS वाले कैंडिडेट्स को आपको 850 रुपीज़ लगने वाला है। वही SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन की बात करूं तो उनसे यहाँ पे 175 रुपीज़ का फॉर्म फी लिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आपको पोस्ट वाइज तो डिवाइडेड है ही, साथ ही साथ आपको स्टेट वाइज, बैंक वाइज, कैटेगरी वाइज भी इसको डिवाइड कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इस बार की जो RRB की रिक्रूटमेंट होने वाली है इसके लिए आपको टोटल 43 गवर्नमेंट बैंक्स ने आपको पार्टिसिपेट किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन सारे बैंक्स में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा, यानी कि इस पोस्ट के सिलेक्शन के बाद आप इन सारे बैंक्स में आप जॉब कर पाओगे। अब बात करते हैं इसके प्री के एग्ज़ाम के बारे में। तो जो आपका प्री का एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी आई है तो एग्ज़ाम भी आपको वेरियस डेज में कंडक्ट कराया जाएगा। मींस कि आपका 5 अगस्त से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, देन आपका 6 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त और 19 अगस्त को आपका पेपर रहने वाला है। ये प्री के लिए आपको मैंने डेट्स बताया है।
एज लिमिट की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपका मिनिमम एज 18 इयर्स रहेगा और मैक्सिमम एज आपका 28 इयर्स रहेगा। वहीं अगर ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट की बात करूँ तो मिनिमम एज आपका 18 इयर्स रहेगा और मैक्सिमम एज आपको 30 इयर्स देखने को मिल जाएगा। तो ये जो मैंने बताया ये आपको जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हो गया। वहीं अगर आप OBC कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करूँ तो उनको यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, मीन्स उनको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST के कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री अगर आपने पास कर लिया तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एकदम एलिजिबल रहोगे। सेम ही आपको ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट के लिए भी देखने को मिल जाएगा, इसमें भी बस आपको बैचलर डिग्री अगर आपने गेन कर लिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। जो अपीयरिंग कैंडिडेट है जिनका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का आपको रिजल्ट आपका 21 जून 2023 तक आ जाता है, वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं इस जो वैकेंसी आई है इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका इसमें सिलेक्शन जो है वो आपको 2 मेजर स्टेज पे आपको डिपेंड करता है, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस 2 मेजर स्टेज पे आपको डिपेंडेबल रहता है। आपका फर्स्ट जो है वो प्री एग्ज़ाम होता है जो कि ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सेकेंड आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, इसी के आपका जो मेरिट बनता है इसी के आपका बेसिस पे बनता है, मेंस के एग्ज़ाम की बेसिस पे। अगर आपको प्री एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करूँ तो आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका 45 मिनट्स का रहता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको 80 रहता है और टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स 80 रहता है, मतलब कि आपको पर क्वेश्चन 1 मार्क आपको मिल जाएगा। और निगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो आपका 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहता है। इसमें आपको टोटल फ्रेंड्स रीजनिंग का 40 क्वेश्चंस रहता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स के आपको 40 क्वेश्चंस रहते हैं। तो टोटल आपका 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का आपको 45 मिनट्स में ये कंप्लीट करना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। तो मेंस का एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो फ्रेंड्स आपका 200 टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के और 2 आवर का आपका ये पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। इसमें जो है आपको 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपका रीजनिंग, सेकेंड आपका कंप्यूटर नॉलेज, थर्ड आपका जनरल अवेयरनेस होता है, फोर्थ आपका इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज, मीन्स कि आपको दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चॉइस करना होता है, आप जो सब्जेक्ट चॉइस करते हो उसका आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। फिफ्थ आपका होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो आपको हर टॉपिक से 40-40 क्वेश्चंस रहते हैं, मीन्स कि 5 टॉपिक्स है तो 40 क्वेश्चन आपको पर टॉपिक 200 क्वेश्चन हो गया। मार्क्स जो है फ्रेंड वो सब्जेक्ट वाइज वेरी करता है, मतलब कि अगर रीजनिंग का आपको 40 क्वेश्चंस है तो आपका 50 मार्क्स का रहेगा, कंप्यूटर अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस के लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस के लिए आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज जो भी चूज़ करते हो उसके 40 क्वेश्चंस को आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। वहीं अगर मैथमेटिकल एबिलिटी की बात करूँ तो उसमें आपको 40 क्वेश्चंस का 50 नंबर रहता है। तो मतलब कि ये आपका टोटल आपका मेंस का जो एग्ज़ाम होता है 200 क्वेश्चन 200 नंबर के और आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। आपका जो मेरिट बनता है फ्रेंड्स वो आपका इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका मेरिट डिसाइड होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मेंस एग्ज़ाम होने के बाद आपको बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन आपका किस बेसिस पर होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल मेंस एग्ज़ाम के कट ऑफ के बेसिस पे होगा, मतलब कि वो जो आपके 200 मार्क्स होंगे वही आपका जो है इस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। आपको मेंस एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होता है वो आपकी कैटेगरी वाइज होती है, स्टेट वाइज होती है, बैंक वाइज होती है, साथ ही साथ पोस्ट वाइज आपको कट ऑफ देखने को मिलता है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस पोस्ट के सिलेक्शन के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलती है। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स 34,000 का अप्रॉक्स आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी मिलती है। हर साल एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा जिसके बाद आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है।
जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो आपको ये जो है क्लर्क का जॉब आपको करना होता है, क्लर्क का वर्क रहता है आपको ब्रांच के अंदर कंप्यूटर बेस्ड वर्क करना होता है। अलग अलग तरीके का काम होता है, मीन्स कि आपसे मल्टीपर्पज़ का वर्क लिया जाता है। जॉब लोकेशन के बारे में बता दूं कि आप जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करते हो उसी स्टेट में आपको जॉब लोकेशन दिया जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, आप जिस भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट के लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। आपसे यहाँ पे ना ही उसका कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना ही कोई सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, बस आपको वहाँ के लोकल लैंग्वेज का जो है वो नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी आपको बेसिक डिटेल्स हो गए, IBPS की जो रिक्रूटमेंट, RRB 12 की जो पोस्ट आई है उनके ऊपर ये सारी आपकी बेसिक डिटेल्स हो गए। तो जनरली मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बट अगर आपको समझने में कोई भी अगर डाउट आ रहा हो तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी। और अगर इस जॉब के नोटिफिकेशन के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के चेक कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी फ्रेंड्स आप ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट सबसे पहले आपके पास जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करते रहना ताकि उनको भी इन सारी जॉब अपडेट्स के बारे में नॉलेज हो सके। सो मिलती हूँ आपसे फिर से न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।